हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेरिटरी। मैं सोनाली बासु आप सबका मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे शेयर करूंगी ये बहुत ही सिंपल इजी पीजी सा न्यूट्रल आई मेकअप लुक, जिसे मैंने साड़ी के साथ स्टाइल किया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने अपने फेस पे पहले ही मॉइस्चराइजर और प्राइमर अप्लाई कर लिया है और लिप्स को हाइड्रेट रखने के लिए लिप बाम भी अप्लाई कर लिया है। तो सबसे पहले कंसीलर अप्लाई करेंगे अंडर आई और आईलिड में। यहाँ मैंने वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर लिया है, मेरा मोस्ट फेवरेट कंसीलर। इसे एक वेट मेकअप ब्लेंडर से अच्छे से आईज पे ब्लेंड करना है। फाउंडेशन के लिए लिया है मेबेलिन का फिट मी मैट पोरलेस ड्यूप फाउंडेशन मिनी फॉर्म में इन द शेड 220। इसे भी अपने फेस पे अच्छे से वेट मेकअप ब्लेंडर से ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग मेक्स द बेस परफेक्ट, इसीलिए ब्लेंडिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। क्रीम प्रोडक्ट को सेट करने के लिए मेबेलिन का कॉम्पैक्ट लिया है, आप लूज पाउडर भी यूज कर सकते हैं। क्रीम प्रोडक्ट को सेट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फेस पे क्रीजेस आ सकते हैं। इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। आईब्रो को सेट करने के लिए स्विस ब्यूटी का आईब्रो पेंसिल लिया है मैंने इन द शेड डार्क ब्राउन। इससे अच्छे से आईब्रो को फील कर लेंगे। आईब्रोज को सेट करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, इस पे मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगी। अब बारी है आई शेडो की। आई शेडो के लिए मैंने लिया है स्विस ब्यूटी अल्टीमेट शेड पैलेट। ये एक बहुत ही खूबसूरत न्यूट्रल शेड का पैलेट है, इससे आप बहुत तरह के आई लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक लाइट ब्राउन कलर का शेड लिया है। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को डैप करने के बाद इसे पूरे आईलिड पे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। आई शेडो ब्लेंडिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेकअप। कोई भी हार्श एजेस नहीं रहना चाहिए। इसे अच्छे से अपने दोनों आईलिड पे ब्लेंड करेंगे। अब मैं एक डार्क ब्राउन कलर का शेड लूंगी, इसे अपने आउटर कॉर्नर ऑफ द आईज में डिपॉजिट करूंगी और इसे अंदर की तरफ इसको ब्लेंड करूंगी। बैक एंड फोर्थ इसको बाहर से अंदर की तरफ इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। इससे आपके आईलिड पे एक बहुत ही खूबसूरत सा क्रीज लाइन बनता है। अब आप दूसरा शेडो अप्लाई कर सकते हैं। अब सेंटर ऑफ द आईलिड पे मैंने एक शिमर शेड लिया है। अब इसको अच्छे से इसको अप्लाई करके सारे कलर्स को आपस में अच्छे से ब्लेंड करना है। आप इस तरह से कोई भी आई लुक क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आई लुक को बहुत ही न्यूट्रल रखा है फॉर डे टाइम फंक्शन। काजल के लिए मैंने मेरा ऑल टाइम फेवरेट लैक्मी आइकॉनिक काजल लिया है। इसको अपने वाटर लाइन पे अच्छे से अप्लाई करना है। काजल के बिना तो मेरा मेकअप चलता ही नहीं है, वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आईलाइनर के लिए भी मैंने लैक्मी का आईलाइनर लिया है, लिक्विड लाइनर। आप जेल लाइनर या पेंसिल लाइनर भी यूज कर सकते हैं, पर बिगनर्स के लिए लिक्विड लाइनर इज द बेस्ट। छोटा सा विंग क्रिएट किया है। दोनों आंखों पे आईलाइनर लगाया है
कॉन्टोरिंग के लिए मैंने स्विस ब्यूटी का अल्ट्रा ब्लश पैलेट यूज किया है। इस एक पैलेट में ही आपको कॉन्टोरिंग के लिए, ब्लश के लिए और हाइलाइटिंग के लिए डिफरेंट शेड्स मिल जाते हैं। बहुत हल्के से कॉन्टोर किया है मैंने, हार्श कॉन्टोर नहीं किया है। फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद फेस बहुत ही फ्लैट दिखता है, इसीलिए हल्का कॉन्टोरिंग बहुत जरूरी है। चीक बोन पे, जॉ लाइन पे और फोरहेड पे हल्का हल्का सा मैंने कॉन्टोर किया है। इससे फीचर्स थोड़े शार्प नजर आते हैं। हल्का सा नोज भी कॉन्टोर किया है। अब इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लश अप्लाई करने के लिए सेंटर ऑफ द चीक नहीं, चीक बोन से साइड की तरफ, ऊपर की तरफ अप्लाई करेंगे। इससे फेस थोड़ा अपलिफ्टेड लगेगा। इस तरह से ब्लश को अच्छे से अप्लाई करना है। जिनका ओवल या राउंड शेप में फेस है वो इसी तरह से ब्लश अप्लाई करें। ऊपर की तरफ इसको अच्छे से ब्लेंड करना है, इस तरह से। अब हाइलाइटर अप्लाई करेंगे। अपने फेस के हाई पॉइंट्स पे हम हाइलाइटर अप्लाई करेंगे। और मेरे मेकअप पे ब्लैक बिंदी तो मस्ट है। अब मस्कारा अप्लाई किया है। मस्कारा के लिए मैंने लिया है मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा। इसे मैं पहले अप्लाई करना भूल गई थी, तो इसे मैं अब अप्लाई करूंगी। लिपस्टिक के लिए मैंने मेबलिन का दो शेड लिया है। पहला शेड है 206 का स्कारलेट शैटन। ये थोड़ा ग्लॉसी लिपस्टिक है। इसको अप्लाई करने के बाद मैं एक न्यूड शेड अप्लाई करूंगी इन द शेड 657। दोनों कलर अप्लाई करने से लिप्स पे एक बहुत ही प्यारा सा न्यूट्रल कलर बनता है। मेकअप को सेट करने के लिए स्विस ब्यूटी का मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज किया है। इसको अच्छे से ड्राई करेंगे और ये है मेरा फाइनल लुक। आउटफिट और ज्वेलरीज के साथ होप ये लुक आपको पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को आप एक लाइक दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।